नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिमन्यु और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको अजोर क्यों करना चाहिए और किस तरीके से करना चाहिए। ठीक है, तो अपन अजोर की ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं और वीडियो जो है पोस्ट होती रहेंगी धीरे धीरे, और जैसे ही मैं थोड़ा सा कंटेंट प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड करूँगा तो वहाँ पे आपको मेंबरशिप लेनी पड़ेगी। मेरी मजबूरी है तो वो कंटेंट सिर्फ मेंबर के लिए अवेलेबल रहेगा। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं कि अज्योर में मैंने अज्योर ही क्यों चूज़ किया एंड क्या रीज़न है, तो चलिए देखते हैं। ठीक है, अब आप में से बहुत सारे बंदे हैं, जैसे अगर आप एज़्योर तक पहुंच रहे हैं, आप न्यू भी हैं कोई बात नहीं है, और अगर एक्सपीरियंस पर्सन है तो भी औसम चीज़ है कि आपने देखा होगा कि जो ऑन प्रमिसेस डेटा सेंटर रहते हैं या फिर आपका खुद का जो ऑफिस का सर्वर रूम जिसे हम बोलते हैं, जहाँ पे हमारे कुछ विंडोज सर्वर लिनक्स सर्वर रखे होते हैं, फिर हमारी जो डिवाइसेस हैं स्विचेस हमारे लगे हुए हैं, राउटर तो बहुत कम हो गए हैं, फायरवॉल लगी हुई है, या फिर हमारी कोई भी रैक है वीमवेयर की, मतलब सर्वर्स मैंने जो बोल दिया आपका। ठीक है, तो वहाँ पे आपने जो स्ट्रगल किए होंगे एंड रियल एनवायरनमेंट के साथ, फायरवॉल फेल हो गई, इंटरनेट फेल हो गया, आपका रात आप सोए हैं मस्त, रात में फ़ोन आ रहे हैं कि सर्वर डाउन है, फिजिकल सर्वर डाउन हो गया है, आपको भागना पड़ा है ऑफिस में उसको अप करने के लिए, या फिर और पावर इशू हो गया है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, इन सब चीज़ों का अल्टरनेट और परमानेंट सॉल्यूशन जो है वो क्लाउड कंप्यूटिंग है। जैसे मैंने ऑफिस 365 की ट्रेनिंग में आपको बताया है, कुछ चीज़ें मैंने आपको समझाई हुई हैं जो वहाँ पे इनिशियल स्टेज पे आपको पता होनी चाहिए, और अगर आपने वो ऑफिस 365 की अगर वो वीडियो स्टार्टिंग की 5 से 10 वीडियोस हैं, अगर आपने वो भी देखी है तो वहाँ पे भी आपको बहुत चीज़ें समझ में आ गई होंगी। और आपको जो है ना, अगर आपने रियल टाइम पे ऑन प्रमिसेस के अंदर आपने स्ट्रगल किया है तो आप जब क्लाउड पे काम करेंगे तो यू विल लव इट, क्योंकि वहाँ पे आपको कंप्यूट बनाने में और आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करने में कुछ मिनट और कुछ चीज़ों का डिसीजन लेना है और उसके बाद आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करना है। तो यही एक क्लाउड कंप्यूटिंग और क्लाउड अजोर के, अजोर क्या है कि वो मैं बताऊंगा, लेकिन क्लाउड कंप्यूटिंग की एक ब्यूटी है कि जहाँ पे यू आपको हर चीज़ मिलती है, यू विल फील वेरी कंफर्टेबल एंड थिंग्स आर रेडी टू यूज, दिस इज द मेजर बेनिफिट ऑफ इट, एंड यू हैव सो मैनी अल्टरनेट ऑप्शंस टू टू द थिंग्स लाइक वेयर वी आर इन ऑन प्रमिसेस, इफ द इंटरनेट लाइन डाउन वी आर ओनली डिपेंडेंट ऑन द सेकेंड इंटरनेट कनेक्शन, एंड दैट वुड बी दैट समटाइम बोथ द इंटरनेट कनेक्शन डाउन एंड योर ऑफिस विल बी डाउन, सो समटाइम हैपन, आई हैव सो फेस सो मैनी दिस इशू सो मैनी टाइम, एंड योर फायरवॉल विच इज़ वर्किंग विदाउट हायर हाई अवेलेबिलिटी एंड इट्स मे फेस सम इशू एंड देन फायरवॉल गोज डाउन, योर टोटली एंटायर नेटवर्क गोज डाउन, सो दीज आर द केसेस। सो इन दैट सीनारियो देयर इज क्लाउड कंप्यूटिंग गिविंग यू द अपॉर्चुनिटी टू हैंडल दीज थिंग्स वेरी वेरी वेरी, यू कैन से इट्स वेरी सुफिशियंट वे, और बहुत ही ईजी से आप वो चीज़ें कर सकते हो। और अगर आपको सच में ऐसा टेक्नोलॉजी में मज़ा आता हो और R&D करने में चीज़ें में मज़ा आता हो और आप बहुत स्ट्रगल किए हैं ऑन प्रमिसेस डेटा सेंटर और सर्वर में, तो आपको मज़ा आ जाएगा क्लाउड के अंदर। और कुछ चीज़ें मैं बताना चाहता हूँ, अगर आप क्लाउड का पढ़ने से पहले आपको क्या चीज़ें आनी चाहिए। सबसे पहले आपको ऑपरेटिंग सिस्टम की समझ होनी चाहिए। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम की समझ विंडोज़ के ऊपर होनी चाहिए, लिनक्स आती है, देखो यार सबका अपना, मैं ना विंडोज़ को बेस्ट कहूँगा ना मैं लिनक्स को बेस्ट कहूँगा, सबका आप अपना फंडा है, तो जिसको जो अच्छा लगे आप कीजिए, मेरा कोई स्पेसिफिकेशन नहीं। आप उन विंडोज़ वाले, मेरे को लिनक्स कम आता है यार, बीइंग वेरी फेयर, बट आई विल लर्न इट। अच्छा, फिर आपको थोड़ा सा
वर्चुअलाइजेशन की नॉलेज होनी चाहिए कि वर्चुअलाइजेशन कैसे काम करता है, वर्चुअलाइज कैसे काम करता है। देखो ओरेकल वीएम जो है ना, आपको बहुत अच्छी प्रैक्टिस करने के लिए मौका देता है। आप उसमें बहुत चीज़ें अपने कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं, और किस तरीके से चीज़ें होती हैं वो सब आप कर सकते हो। उसके लिए आप मेरी GNS सीरीज़ देख सकते हो, आप सोफोस फायरवॉल देख सकते हो। DLP पे भी मैंने इंस्टॉल किया, बट सोफोस और GNS पे मैंने बड़े अच्छे से बताया हुआ है। फिर उसके बाद आपको थोड़ी सी नेटवर्किंग की भी समझ होनी चाहिए, बिकॉज बिना नेटवर्किंग के एक्चुअली यहाँ पे क्या है कि चीज़ें सारी, मतलब आपको सब चीज़ आनी चाहिए। यहाँ पे थोड़ा सा ना घुमाव है कि आपको ऑपरेटिंग सिस्टम भी आना चाहिए, आपको वर्चुअलाइजेशन की नॉलेज होनी चाहिए, आपको कंप्यूट के बारे में पता होना चाहिए, कंप्यूट जहाँ पे आपकी मशीन की क्या कॉन्फ़िगरेशन रहेगी। फिर आपको नेटवर्किंग का भी थोड़ा सा आपको आना चाहिए, और उसके बाद आपके पास लर्निंग कैपेबिलिटीज़ होती है कि आपकी जो इमेजिनेशन है, आपकी जो ट्रबल शूटिंग स्किल्स हैं वो आपकी थोड़ी सी हाई होनी चाहिए, आपकी कैपेबिलिटी थोड़ी हाई होनी चाहिए, तभी आप एज्योर में आ सकते हैं और आने के बाद आप परफॉर्म कर पाओगे। क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है कि दिखने में इतनी आसान लगती है, लेकिन जब कोई सामने वाला आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछता है तो भाई सिट्टी पिट्टी, सॉरी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। तो उस चीज़ को ना लाते हुए जब तक मैं वीडियो पोस्ट करूँगा, मतलब अभी आ जाएंगी एक दो दिन में, मैं वीडियो पोस्ट कर दूंगा इस वीडियो के बाद, तो आप मेरी सोफोस वाली फायरवॉल में जाके देखिएगा। पहली 4-5 वीडियो भी बहुत है, आपको बहुत अच्छी नॉलेज होगी वहाँ पे कैसे वर्चुअलाइजेशन काम करता है, किस तरीके से चीज़ें होती हैं। आप मेरी CCNA की सीरीज़ थोड़ी सी गो थ्रू कीजिए, और विंडोज़ सर्वर 2019 मैंने बनाया हुआ है वो थोड़ा गो थ्रू कीजिए। वहाँ पे आपको चीज़ों का एक्सपीरियंस होंगे, वहाँ पे आपको सोचने पे मज़ा आएगा कि जब हम प्रैक्टिकल करेंगे, क्योंकि मेरी जो क्लासेस रहेंगी एज़्योर के ऊपर दैट वुड बी मोर प्रैक्टिकल, क्योंकि उस पर प्रैक्टिकली ही बहुत ज़्यादा है। मैं मेरी जो आपको पता ही है कि मेरी आदत है कि मैं प्रैक्टिकल के साथ साथ ही पढ़ाऊँगा, मैं से स्पेशल मेरे से नहीं हो पाता, मैं उसके साथ ही पढ़ाऊँगा और लेक्चर्स मेरे लंबे रहेंगे। लंबे इन द सेंस कि मेरा कोशिश है कि मैं एक जो टॉपिक लूँगा, सपोज दैट एक एग्जांपल लूँ कंप्यूट का, मैं टॉपिक लेता हूँ तो उस पर हम कंप्यूट की सीरीज चलेगी। जैसे नॉर्मल कंप्यूट बनाया, फिर हमें उसमें कुछ इन्हेंस करने हैं, वो किस तरीके से करने हैं, कैसे करने हैं, वो एक अगला वीडियो आएगा। फिर उसके बाद उसमें हम क्या क्या न्यू चीज़ें कर सकते हैं और क्या क्या चीज़ें हम उसी टाइम पे कर सकते हैं वो पार्ट आएगा। फिर उसके बाद सबनेटिंग और किस तरीके से हमें नेटवर्क प्लान करना है, किस तरीके से हमें चीज़ें करनी है, वो सब मैं उस तरीके से बताऊंगा। तो वहाँ पे मेरे पार्ट वाइज रहेंगे, तो आप अगर मेंबरशिप ले लेंगे तो अच्छा है आपके लिए, और नहीं तो फिर मेरे पास कोई और मेरे को अल्टरनेट ऑप्शन देखना होगा। क्योंकि यार मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि मैं अगर अच्छी वीडियोज़ बनाऊँगा तो मतलब मुझे बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है यार, बट जो लोग डाउनलोड करते हैं और उनको मतलब ना लाइक देने से मतलब है, ना उनको वॉच टाइम देने से मतलब है, ना उनको कोई कमेंट करके बताने से मतलब, उन्हें सिर्फ अपना कंटेंट मिल गया उसको चोरी करने से मतलब है। तो गाइज उस चीज़ को मैं थोड़ा सा रोकना चाहता हूँ, और इसलिए मैं कर रहा हूँ, वरना मेरा मुझे कोई शौक नहीं है ये सब करने का। ठीक है, होप यू अंडरस्टैंड गाइज एंड यू विल सपोर्ट मी इन दैट, एंड आप जस्ट थोड़ा सा तैयारी कीजिए इस चीज़ की, और आप जो है एज्योर सीखने वाले हैं। एंड बी कॉन्फिडेंट एंड बी हैप्पी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए बाय बाय।